प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है हमारा बहुपद, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में। बेहद इजी टॉपिक है हमारा ये, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम वैल्यू भी इसकी काफी ज्यादा है। 4 मार्क्स के लिए यानी कि 4 अंक के लिए इसमें से आपके एग्जाम में आते हैं, एक एक अंक के लिए और एक 3 अंक के लिए क्वेश्चन आएगा, और बेहद आसान से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो देखते हैं इस चैप्टर के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक, शून्यक दे रखे हैं हमारे पास -4 और 2। तो बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यक हमें दे रखे हैं। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है x² - sx + p। ऐसा हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल। और p हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो ऐसे निकाल लेंगे, शून्यक दे रखे हैं तो इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो ऐसा आ जाएगा, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो p आ जाएगा, और इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हो सकता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। ये तो और भी आसान हो गया आपके पास, शून्यकों का योगफल दे रखा है यानी कि s दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है यानी कि p दे रखा है। तो s और p दोनों हमें मिल गया है, तो इस फॉर्मूले के अंदर इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये 3 अंक के लिए लगभग लगभग हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे तो वो शून्यक देके पूछ ले या फिर शून्यकों का योगफल और गुणनफल देके पूछ ले। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है, 3 अंक के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा और जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो है हमारे पास द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखो, अगर हमारे पास बहुपद हम लिखें ax² + bx + c, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल उसका फल होता है हमारे पास -b/a। तो अब यहां से a b c की वैल्यू निकाल देंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 1 अंक के लिए आता है। ठीक इसी तरह से चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो तीसरे जैसा ही है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास c/a। तो हम क्या करेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे और c के बटे में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 1 अंक के लिए आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक ज्ञात करो, इसके जो शून्यक है वो ज्ञात करने हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए, ये 1 अंक के लिए भी आ सकता है और 3 अंक के लिए भी आ सकता है। मान लो ये 1 अंक के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, अगर आपको पूरा लॉन्ग मेथड से करना है तो लॉन्ग मेथड से कर ले, नहीं तो ऑप्शन दिए होंगे वो ऑप्शन इसके अंदर पुट कर देंगे, जो एक्स की वैल्यू दी होगी वो इसके अंदर रख देंगे, जिन 2 मानों के लिए ये सही सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा आंसर है, नहीं तो हम इसको लॉन्ग मेथड से कर लेंगे। तो ये 1 अंक के लिए भी आ सकता है और ये 3 अंक के लिए भी आ सकता है। 2017 में ये 1 अंक के लिए आया हुआ है। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा बहुपद है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन होती है। जैसे ऑप्शन दे दिया हमारे पास ये, तो ये पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा बहुपद है, एक क्वेश्चन 1 अंक के लिए इस तरह का पूछा जा सकता है। और इसके अलावा ये 6 हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी हो सकता है, जैसे बहुपद px क्या है हमारे पास, x³ - 3x² + 5x - 3 को बहुपद gx x² - 2 से भाग कर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भाग करना है हमें और भाग करने के बाद भागफल और शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास चैप्टर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए,
और चैप्टर दो में हमारे पास ऑलमोस्ट इसी तरह के सारे क्वेश्चन है। ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट करता है। तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि तीन अंक के लिए एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पे आएगा, जिसमें फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। तो यहां से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक माइनस चार या दो है, या फिर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो दो ये हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं। इसमें से मार्च 2020 में आपको एक क्वेश्चन तीन अंक के लिए जरूर मिल जाना चाहिए, और इसी तरह से जो एक अंक के लिए क्वेश्चन है आपसे वो पूछ सकता है कि बहुपद देके शून्यकों का योगफल पूछ ले, या फिर बहुपद देके शून्यकों का गुणनफल पूछ ले, या फिर बहुपद ही पूछ ले कि इनमें से कौन सा बहुपद है। तो इसके अलावा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं वो ये एक भाग विधि के द्वारा भाग करना है हमें, बहुपद दिए हुए दो तो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन इससे वेरी इंपॉर्टेंट मार्च 2020 के लिए, और एक इन फॉर्मूले से रिलेटेड शून्यकों का योगफल पूछ ले या शून्यकों का गुणनफल पूछ ले। तो ये था हमारे पास चैप्टर सेकंड में से कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।